अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड फोर्थ के इस्लामियात के सबक नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। आज के हमारे सबक का उनवान है गुरूर। बच्चों, आज हम गुरूर के बारे में पढ़ेंगे, जिससे बच्चों के किरदार और इखलाकियात पर क्या असर पड़ता है। आपने इस सबक की बहुत गहराई के साथ, बहुत तवज्जो के साथ आपने इसकी रीडिंग करनी है, ताकि इस सबक के अंदर दिए गए कुरान और हदीस की रोशनी में और जो वाक़यात दिए गए हैं वो आपको अच्छी तरह से जहन नशीन हो, और जब आपको सबक पे मकम्मल अबूर हासिल हो जाएगा तो आप सवालात के जवाबात या एक्सरसाइज के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स या जो वर्ल्ड दुरुस्त दिए गए होते हैं, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी मदद आपके तहत वो सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो बच्चों, मैं आपको जनरल चीज़ें बताऊंगी, टॉपिक को आपने खुद रिवाइज करना है सारे को। गरूर क्या होता है? बच्चों, गरूर एक ऐसी बुरी आदत है कि इंसान खुद को बरतर और आला समझने लगता है। वो इंसान ये भूल जाता है कि बरतर और आला कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला है। इस तरह वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगता है। गुरूर किसे कहते हैं? गुरूर होता है फ़ख्र करना। मसलन किसी शख्स के पास बहुत दौलत है, वो अपने अमीर होने पर फ़ख्र करता है और समझता है मैं सबसे अमीर हूँ, और वो गरीब लोग उसे मिलना जुलना पसंद नहीं करता। उन गरीब लोगों में उसके रिश्तेदार भी होते हैं। ये तो आपने अक्सर देखा होगा, जो रिश्तेदार वगैरह गरीब हों, लोग उनके घर कम आते जाते हैं, उनके पास कम बैठते हैं, क्योंकि वो गुरूर में होते हैं कि ये गरीब हैं और मैं अमीर हूँ। इसी तरह बच्चों, कोई अपनी खूबसूरती पर, कोई गोरे रंग पर, कोई आला तालीम पर, कोई किसी बात पर गुरूर करता है, हालांकि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की अता की हुई हैं, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है अता करता है, जिसको चाहता है कम अता करता है। ये अल्लाह ताला की अपनी तकसीम है। अल्लाह ताला ये नेमतें किसी को भी दे सकता है, और जब चाहे वो वापस भी ले सकता है। इसी तरह सूरह नहल के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह गुरूर करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। आगे एक वाक़या है इसके अंदर, ये वाक़या जो है वो तारीख का एक मशहूर वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले यमन पर अब्रहा नामी एक हाकिम हुकूमत करता था, और उसके पास हाथियों की फ़ौज थी जिन पर उसे बड़ा गुरूर था, और उस गुरूर के साथ उसने क्या किया, नऊज़ु बिल्लाह, खाना काबा तोड़ने का मंसूबा बनाया कि मेरे पास हाथियों की फ़ौज है और मैं खाना काबा को तहस नहस कर दूँगा। हज़रत अब्दुल मुतलिब को उसने ये धमकी दी कि वो खाना काबा को तबाह करने आ रहा है। खाना काबा चूँकि अल्लाह ताला का घर है, और अब्दुल मुतलिब ने उसे जवाब दिया कि अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत खुद फरमाएगा। चनानचे ऐसा ही हुआ। जैसे ही अब्रहा खाना काबा के करीब पहुंचा, अल्लाह ताला के हुक्म से हज़ारों की तादाद में परिंदे वहां पहुंच गए। अल्लाहु अकबर, जिनकी चूंच में नन्ने नन्ने कंकर थे, और इन परिंदों ने अब्रहा की फ़ौज पर इतने कंकर बरसाए कि सारी फ़ौज हाथियों समेत खाए हुए भूसे की तरह हो गई। आपने वो सूरत नहीं पढ़ी होगी ना, तीसवें सपारे में है, अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तुयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, कि उनको उन परिंदों ने इस तरह खा के उनका पतंगा बना दिया कि जैसे खाया हुआ भूस, यानी कि जो भूसा ढाला जाता है ना जानवर के आगे, और जब जानवर उस सारे भूसे को, उस सारे घास को खा लेता है, तो लास्ट पे वो किरची किरची रह जाता है, जो कि जानवर के मुंह में भी नहीं आता, और उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है या साइड पर कर दिया जाता है। ये था उसका अंजाम। अब्रहा का जो गुरूर था वो इसको लेकर डूबा। और ये सूरह फील का वाक्या मैंने आपको बता दिया। अल्लाह ताला सूरह नहल में दूसरी जगह पे फरमाते हैं कि क्या ही बुरा ठिकाना है गुरूर करने वालों का। देखो बच्चों, इतनी आपने इस लेसन के अंदर से इतनी मालूमात आपको पहुंच गई,
कि अगर आपकी क्लास के अंदर कोई बच्चा इस तरह का है कि वो गरीब है और आपने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, उसका ख्याल रखना है। ये नहीं कि आपने उसको गरीब समझ के या कोई शक्ल सूरत में कम है या किसी का रंग ब्लैक है या किसी की हाइट छोटी है तो आपने उससे नफरत नहीं करनी, और अपने आप को उसके साथ उसी तरह से रखना है कि जिस तरह से उसका दिल चाहता है। जब हम गरूर करेंगे तो हमारे सारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे। किसी भी बात पे गरूर नहीं करना, क्योंकि सब नेमतें अल्लाह ताला की दी हुई हैं और जब अल्लाह ताला चाहे तो वो हमसे वापस भी ले सकता है। तो प्यारे बच्चों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने कभी भी अपने नबी होने पर गरूर नहीं किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में ज़रा बराबर भी गरूर होगा वो हरगिज़ जन्नत में ना जाएगा। देखो बच्चों, एक तो इससे ये बात सीखने को मिलती है कि दुनिया में जब आप गरूर करेंगे तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा, और आखिरत में क्या होगा कि आप जन्नत से महरूम हो जाएंगे। तो पता चला कि एक ज़रा कितनी छोटी सी चीज़ है, एक ज़र्रा जो है वो कितनी छोटी सी चीज़ है, अगर उसके बराबर भी हमारे दिल में गुरूर हुआ तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने दिल और दिमाग में गुरूर को जगह नहीं देनी, और अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए हमने गुरूर से बचना है। अब यहाँ आपको सवालात के जवाबात दिए गए होंगे, आपको होमवर्क दिया गया है, उसमें खाली जगह है, सवालात के जवाबात हैं। अब आपने सवालात के जवाबात जवाबी कापी में बहुत खूबसूरत लिखाई के साथ लिखने भी हैं और उनको याद भी करना है। बहुत अच्छे से लेसन को आपने तैयार करना है। अगले लेसन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।